नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 और मैं हूं आपके साथ रीशु चौधरी। बिहार सरकार के मंत्री के विजय चौधरी ने जल संसाधन विभाग में पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण के बाद जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव ने कहा कि खेला होगा, तो उन्होंने कहा कि कोई खेला नहीं होगा, अगर बहुमत साबित करना ही खेला है तो खेल होगा। तेजस्वी यादव ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। उन्होंने आगे कहा कि सच्चाई यही है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। उनसे पूछा गया कि क्या एनडीए में टूट होगी और राजद टूट का दावा कर रही है, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हर पार्टी यह कोशिश करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास बहुमत है। जल संसाधन विभाग के ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि इस विभाग में जो भी काम है सभी काम होंगे। पूर्व में भी काम होता रहा है, खास करके बाढ़ के समय में पूरी तरह से विभाग सतर्क रहेगी और कहीं से बड़ी जान माल की हानि ना हो सके, इसको लेकर कार्यक्रम पहले भी बनाए गए थे, आगे भी बनाए गए हैं और आगे जो काम होंगे वह आप लोगों को दिखाई देगा। पदभार ग्रहण कर रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? नहीं, प्राथमिकताएं तो इस विभाग की शुरू से सभी लोगों को ज्ञात है। इसका जल संसाधन विभाग नाम है और राज्य में जो जल संसाधन उपलब्ध है उसका बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे हो, पहली बात। दूसरी बात, जो किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा कैसे हम अधिकतम पहुंचा सकते हैं, एक हमारी प्रायोरिटी ये है। और हमारी क्या और इस सरकार की शुरू से प्रायोरिटी रही है, विभाग की ही प्रायोरिटी है ये, क्योंकि इसका नाम ही सिंचाई विभाग होता था। और फिर तीसरी जो प्राथमिकता होती है, बल्कि वो एक तरह से समझिए आकस्मिकी भी होती है, कंटिजेंसी भी होती है, जो फ्लड प्रोटेक्शन है, बाढ़ नियंत्रण है। बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीबीएन 24।